हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी देखो सुबह के 7 बज रहे हैं और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और ये है कुछ सामान जो कि आज मेरे को स्कूल लेके जाना है। बायो का कुछ प्रैक्टिकल है तो उसमें ये यूज़ होने वाला है आज। वैसे क्या प्रैक्टिकल है वो तो अभी मेरे को भी नहीं पता, तो अभी वहाँ जाके मैं सब कुछ बताता हूँ। और ये आप बाहर का मौसम देखो गाइज, मतलब अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ एंड सुबह सुबह यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी वैसे 15 मिनट टाइम बचा हुआ है तो पहले मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। बर्तन धोएंगे आज स्कूल में, है ना? बर्तन नए-नए लेके आए हैं। और क्या, 55 रुपए पूरे बर्बाद किए हैं इसके ऊपर मैंने। आनंद ये देख, ड्रग्स लेगा। ये देख हीरोइन गुड़िया में। ये कुछ अलग ही लग रहा है भाई। गांजा क्यों लाया भाई? वो टेबल पे डाले। तेरे को धो दूंगा। अरे कल यार श्रीलंका का तो यार बुरा हाल कर दिया यार। सर 55 का ऑल आउट, अरे 55 पे ऑल आउट कर दिया सर। एशिया कप का हरा दिला दिया सर। दो रन सर भाई, एशिया कप से बुरा रहा यार। मारा इतना मारा कि वैसे है ना, मैं ये चाह रहा था बस साउथ अफ्रीका से जीत। ये जो एशिया कप था ना, मतलब मेरी दिली इच्छा ये थी कि एशिया कप श्रीलंका जीते। क्यों पूछो? क्यों क्यों? क्योंकि जो हालात इस टाइम बहुत खराब है सर। इतने तो बिलियन डॉलर का मेड दे दो रहे हैं, क्या चाहिए? तो रहे हैं लेकिन उससे ना कुछ तो क्या लोगों को राहत मिलती है सर। श्रीलंका वाले राहत तक। हाँ ये तो बात है, जितने पे पैसे मिलते हैं उन लोगों को। अरे अच्छा, आज जो हमारा क्रिकेट जो इतना मॉर्निंग क्रिकेट हो रहा है, अपने में इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं। हाँ हाँ, ये किसकी देन है? भगवान की सर। ये इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड। अरे मुझे पता था तुम कहाँ तक जाओगे। फिर तुम सोचो इंग्लैंड बोलते रहे, मैं मना करता रहा। फिर कहाँ का है बता सर? क्या इंडिया में बता मुझे उसको सर। क्या इंडिया में? इंडिया में चलो मैं तुम्हें इसको। अरे मोदी के भी तुम्हारा दोबारा बता। मोदी के भी कुछ नाम है भाई, क्या नाम है ये? थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा क्या का कोई कंट्री है, कोई इंसान है? इंसान का नाम है। अरे सर वो बिजनेस बताओ। मोदी करके नाम बिल्कुल है जिसने हमारा जो क्रिकेट है ना, हमारे जो क्रिकेट थी या हमारा जो बोर्ड पहले ना, उसके पास कोई ना पैसा था ना ऐसा कुछ था। तो ये एक आदमी ने दिमाग लड़ाया था कि आईपीएल स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है जगमोहन डालमिया। हाँ हाँ अच्छा, कुछ नहीं बताता है इसको, फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहा है। सबसे प्यासा प्याज है ये। वे केले खा गए क्या? तो कम से कम गाइस, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं क्लास 9 to 12 से कि वो मतलब रेगुलर स्कूल के साथ ना अपना सेल्फ स्टडी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल क्लास रखा है अनअकैडमी पे और इसका जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली विद रेगुलर स्कूल। एंड ये क्लास मैं लाइव लेने वाला हूँ, वो भी 1 घंटे के लिए। वैसे क्या होता है कि देखो मेरी वीडियोज की लेंथ छोटी होती है तो उसमें मैं आप लोगों को सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप वहाँ पे आ जाना, मैं वहाँ पे अच्छे से सब कुछ बताऊंगा। तो अभी गाइस मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ एंड आज क्या ही मजा आया स्कूल में, मतलब सबसे भाई बेस्ट दिन था आज स्कूल का। तो अभी वो सब छोड़ो, तो अभी मैं थोड़ा लैपटॉप वगैरह ऑन कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर आज की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। तो हमेशा की तरह अभी मैं सबसे पहले अपना टारगेट लिख लेता हूँ कि आज पूरे दिन में क्या क्या करना है। मैंने टोटल 4 सेशन रखा है जिसमें से मेरे को आज फिजिक्स और बॉटनी का लेक्चर देखना है और साथ में उसके DPPs और क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सब। एंड उसके बाद फिर 2 रिवीजन वर्क है, एक केमिस्ट्री का जो कि होगा 12th का और एक और केमिस्ट्री जो कि है 11th क्लास। और वैसे मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा 11th क्लास का। तो अभी सबसे पहले मेरे को फिजिक्स का लेक्चर करना है, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास का जो रिवीजन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो पहले वो कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर लेक्चर देख लूंगा।
अभी मेरा डिवीजन वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी है अब लेक्चर देखने की। अभी वैसे मैं रे ऑप्टिक्स पे ही हूँ क्योंकि अभी स्कूल का काफ़ी ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया था, मेरे को प्रोजेक्ट फाइल बना के मतलब देना पड़ा स्कूल में, और अभी अभी मैंने इंग्लिश और फिजिक्स का बना के दिया था, तो इस कारण से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ चला गया। तो अभी मैंने फिजिक्स का लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया है और इसका आप ड्यूरेशन देखो 2 घंटे का है, एंड मैंने इसको 2x पे देखा, फिर भी मेरे को 2 घंटे लगे इसको कंप्लीट करने में क्योंकि सर ने क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसमें करवा दिया था। तो इसका लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब टाइम है इसके क्वेश्चंस करने का, यानी कि DPP। भाई वैसे मैं क्वेश्चंस करने जा ही रहा था तो अभी मेरे को देखो क्या दिखा, नो DPP, यानी कि इसमें भाई कोई DPP नहीं है, और ये देख के मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और देखो नेक्स्ट क्लास में भी शायद DPP नहीं है, और उसके जो नेक्स्ट क्लास है शायद उसमें है एक DPP, तो अब इसको भी अब मैं मार्क कर देता हूँ। तो अभी देखो मैं इतना रिविजन वर्क इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी देखो मेरे पास ये मैसेज आया था, और वैसे मैंने देखा आज ही है, और ये डेट शीट है यूनिट टेस्ट का, और ये 16 नवंबर से शुरू हो रहा है, फर्स्ट वैसे इंग्लिश का है और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तो अभी इसलिए रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और जैसे ये एग्ज़ाम वैसे ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद फिर प्री बोर्ड स्टार्ट है, और फिर जैसे प्री बोर्ड खत्म होगा उसके बाद फिर बोर्ड स्टार्ट है। तो अभी जा रहा हूँ मैं रिवीजन करने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर, वैसे छोटा सा ही चैप्टर है, 1 घंटे लगेंगे, आराम से इसको पूरा फिनिश कर दूंगा मैं। और ये रहा मेरा सॉल्यूशंस का शॉर्ट नोट्स। वैसे आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। वैसे एक बात बता सकता हूँ कि बहुत इजी मेथड है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले ना आपके पास वो लॉन्ग नोट्स होना चाहिए। वैसे अगर आप लोगों को मेरा शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी मेरा ये रिवीजन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मैं ही था कि थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 1 घंटे लगेंगे इसको रिवाइज करने में, बट अभी आप टाइम देखो 1 घंटे लगभग 1 घंटे 45 मिनट इसमें मेरा टाइम चला गया है। तो अभी देखो हमारा जो सेकंड टारगेट था जो कि है केमिस्ट्री का, वो तो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी नीचे के जो 2 टारगेट्स है उसमें से मेरे को एक हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी मेरे को पता चला है कि हिंदी के प्रोजेक्ट का कल लास्ट डेट है, तो मेरे को अभी वो बना के देना पड़ेगा, और उसका जो प्रोजेक्ट है मतलब काफ़ी बड़ा है, 20 या फिर 25 पेज का है उसका प्रोजेक्ट। ये वैसे 2-3 पेज मैं स्कूल से ही लिख के आया था, और बाकी का मुझे अभी घर में बैठ के लिखना पड़ेगा, और मैं इसको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि अब इसके ना 10 नंबर लगते हैं, और ये अगर ना दूँ बना के तो फिर एग्ज़ाम में 10 नंबर तो मतलब ऐसे ही चले जाएंगे। तो अभी इसको मैं साइड में रखता हूँ, और अभी मैं करने वाला हूँ 11th क्लास रिवीजन, और इस कॉपी की आप हालत देखो, मतलब पूरा पीला पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है मैंने इसको खोला नहीं है कितने सालों से। अभी वैसे रिवीजन करने वाला हूँ मोल कंसेप्ट, और ये छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो अब जैसे ही मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ, और अब मैं बैठ गया अपना हिंदी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए।